नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुला राशि के दिसंबर माह के राशिफल के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें और देखते रहें डेली पंचांग। आइए शुरू करते हैं तुला राशि का दिसंबर माह का राशिफल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ग्रह इस माह में यानी दिसंबर माह में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर राशि स्वामी की, क्योंकि राशि स्वामी बनते हैं तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव, यानी जिनकी भी राशि है उनके राशि स्वामी तुला जो है शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव आपकी राशि से तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, तो यह गोचर आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपने जीवन के क्षेत्र में मेहनत कराने वाला है। यहाँ पर आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट भी मिल सकता है। जो भी कार्य इस समय आप करेंगे वे पूरे पराक्रम से करेंगे और पूरे साहस से करने वाले हैं। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन 9 दिसंबर की रात को कर रहे हैं, यानी 9 दिसंबर के बाद में वे शुक्रदेव आपकी राशि से तीसरे भाव से होते हुए चौथे भाव के अंदर यानी चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करना शुरू करेंगे, जहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव पहले से गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और शनि यानी राशि स्वामी की और चतुर्थ भाव की दोनों की युति यहाँ पर बनी हुई है। तो यह युति कहीं ना कहीं आपको नए व्हीकल के लिए यानी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर नया व्हीकल लेने की सोच सकते हैं। घर के लिहाज से अगर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो भी आपका पुराना घर है उसको भी आप चेंजेस करा सकते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि शनि जो है वो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, आपके जमीन के स्वामी भी माने गए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर बुध देव की, क्योंकि बुध देव भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बुध यहाँ भाग्य भाव के स्वामी हैं, तुला राशि वालों के लिए बुध देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ के साथ द्वादश भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी का गोचर धन भाव से हो रहा है, यह गोचर भी तुला राशि वालों के लिए एक शुभ गोचर है, अच्छा गोचर है। हालांकि यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य से लेकर यानी आपके सपोर्ट से आपके भाग्य के सपोर्ट से आपको यहाँ पर धन लाभ अवश्य होने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति यहाँ पर बनी हुई है। साथ के साथ केतु की युति भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी भी आ सकती है, या मैं कहूँ कि जितना धन लाभ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से थोड़ी सी कमी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। आइए बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो शनि की दृष्टि जो है वो आपकी यानी सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर बनी हुई है। शनिदेव यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव में कर्क राशि है जिसके कि स्वामी चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा इस पूरे माह में आपके द्वादश भाव यानी पूरे पूरे 12 भावों से गोचर करेंगे। साथ के साथ जन्म के चंद्रमा, क्योंकि आपके अगर तुला राशि है यानी आपके दशमेश जो है वो आपके तुला राशि के अंदर है, और शनि की दृष्टि आपकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर और दशम भाव के स्वामी यानी आपके जन्म के चंद्रमा पर भी है, तो कहीं ना कहीं शनि आपके कार्य क्षेत्र को अवश्य प्रभावित करने वाले हैं। जो भी चेंजेस आपके कार्य क्षेत्र में आप सोच रहे हैं वो इस माह में आ सकते हैं। शनि यहाँ पर चतुर्थ और पंचम दोनों भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में जो है, और शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि से जो है आपके छठे भाव को भी आपके प्रभावित कर रहे हैं। तो 2, 6 और 10 इन तीनों भावों की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी जो है वो मंगलदेव बनते हैं, और मंगलदेव आपकी राशि यानी तुला राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, और साथ के साथ में माह की शुरुआत में चंद्रमा भी है, तो माह की शुरुआत में ही शनिदेव यहाँ कहीं ना कहीं चेंजेस करा सकते हैं। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की, यानी आपके बिजनेस को लेकर। अगर बिजनेस को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगलदेव आपके बिजनेस के स्वामी बनते हैं, जो कि आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। साथ के साथ सप्तम दृष्टि से मंगलदेव अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो बिजनेस के लिहाज से यह माह अच्छा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मंगलदेव धन भाव के स्वामी भी हैं, तो धन भाव के स्वामी का राशि स्वामी के ऊपर से गोचर अच्छा गोचर है, शुभ गोचर रहने वाला है। तो यहाँ पर बिजनेस को लेकर भी यहाँ पर आपको अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। नया निवेश आप करने अगर जा रहे हैं उसके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव के कारक माने गए हैं। आइए बात करते हैं हायर एजुकेशन की। अगर हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं जो शनिदेव, जो कि स्वराशि के चतुर्थ भाव में होकर गोचर कर रहे हैं। साथ के साथ पंचम भाव के नैसर्गिक कारक देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ गोचर कर रहे हैं,
तो आपके हायर एजुकेशन के हिसाब से यह जो समय है वह अच्छा समय है। साथ के साथ में देव गुरु बृहस्पति छठे भाव के कॉम्पिटिशन्स के भी यहाँ पर स्वामी बनते हैं जो कि पंचम भाव में है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ हायर एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई कॉम्पिटिशन्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे संकेत दिखाई देते हैं। हेल्थ को लेकर अगर हम बात करें तो हेल्थ अच्छी रहने वाली है कि यहाँ पर तुला राशि यानी आपके चंद्रमा के ऊपर कोई भी अशुभ दृष्टि यहाँ पर नहीं है, ना ही राहु की है ना ही केतु है। राहु यहाँ पर अष्टम भाव से जरूर गोचर कर रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं धन के लिए प्रेरित करते रहेंगे, इसलिए आप अच्छे ढंग से अपने धन को कमाने की यहाँ पर कोशिश करें। आइए ओवरऑल अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र अच्छा रहने वाला है। बिजनेस को लेकर भी आपको यहाँ पर अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन को लेकर भी यहाँ पर अच्छा संकेत है क्योंकि धन भाव के स्वामी राशि के ऊपर से यानी आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। धन और लाभ दोनों की युति, दोनों के स्वामियों की युति धन भाव के अंदर हो रही है, तो यह गोचर भी धन के लिहाज से अच्छा गोचर है। भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वे भी अपना राशि परिवर्तन करके हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बुद्ध देव बनते हैं, वे भी तीसरे भाव के अंदर आ जाएंगे, तो यह गोचर भी एक शुभ गोचर रहने वाला है। धन्यवाद।